हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन। के आज के इस लेक्चर में हम एक और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s² गिवन है। और मान लो ये एक ट्रक है। क्या है ये? एक ट्रक जो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है 5 m/s² कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है ये ट्रक। और मान लो इस ट्रक के अंदर एक रफ इंक्लाइंड गिवन है जिसकी इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है। और इस रफ इंक्लाइंड की टोटल हाइट वो कितनी गिवन है? 8 m। और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहां पे 4 होता तो यहां पे 3, यहां पे 5। अब देखो ये जो इस ट्रक के फ्लोर पे एक लड़का आराम से खड़ा हुआ है जो कि क्या है, ट्रक फ्रेम का ऑब्जर्वर। इसने क्या किया, एक 2 kg ब्लॉक को आराम से रख दिया रफ इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे जो कि 4 m ऊपर है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ट्रक। तो इसने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को एट t = 0 आराम से रख दिया रफ इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे। मतलब t = 0 पे ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। 2 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट एट t = 0 विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है। और t = 0 पे ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 m/s गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये 0.4 गिवन है। और देखो मान लो ये ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस है और ये ग्राउंड फ्रेम की वाई एक्सिस है। ग्राउंड फ्रेम की स्टेशनरी एक्स एक्सिस और ग्राउंड फ्रेम की स्टेशनरी वाई एक्सिस, जिसके ओरिजिन पे क्या होता है, स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये 2 kg ब्लॉक फर्स्ट टाइम कहां पे कोलिजन करेगा, बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे करेगा या टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे। तो मैंने ये मान लिया एट t = T इंस्टेंट पे इस 2 kg ब्लॉक का फर्स्ट टाइम कोलिजन होगा आइदर विद बॉटम ऑफ द कोलिजन और विद टॉप ऑफ द कोलिजन। तो ये क्या है, एट t = T पे फर्स्ट टाइम कोलिजन मैंने मान लिया, या तो बॉटम ऑफ द कोलिजन के साथ या टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड के साथ या टॉप ऑफ द इंक्लाइंड के साथ। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एट t = T/2 इंस्टेंट पे इस 2 kg ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C, D। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 14.9 i cap + j cap। बी ऑप्शन में 14.9 i cap - j cap। सी ऑप्शन में 14.9 i cap - 2 j cap। डी ऑप्शन में 14.9 i cap + 2 j cap। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन था। एक ट्रक है जो कि इस डायरेक्शन में 5 m/s² कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। ट्रक के अंदर एक रफ इंक्लाइंड गिवन है जिसकी हाइट 8 m है। और t = 0 पे ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को रफ इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे आराम से रख दिया। मतलब एट t = 0 पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है।
और t इक्वल टू जीरो पे ट्रक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड भी गिवन है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दी रफ इंक्लाइन 0.4 गिवन है। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना कि फर्स्ट टाइम कोलिजन 2 kg ब्लॉक का बॉटम ऑफ द इंक्लाइन के साथ होगा या टॉप ऑफ द इंक्लाइन के साथ है। और मैंने ये माना है इस 2 kg ब्लॉक का फर्स्ट टाइम कोलिजन t इक्वल टू कैपिटल t इंस्टेंट पे होगा, या तो बॉटम ऑफ द इंक्लाइन के साथ होगा या टॉप ऑफ द इंक्लाइन के साथ होगा। और फाइंड आउट क्या करना है, एट t इक्वल टू कैपिटल t बाय 2 इंस्टेंट पे इस 2 kg ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करना है। और एक और चीज गिवन है कि t इक्वल टू 0 पे है ना 2 kg ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पे है, ये भी गिवन है। ये ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस है जो कि स्टेशनरी होती है और जिसके ओरिजिन पे स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर बैठा हुआ होता है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इस 2 kg ब्लॉक की मोशन की ऑब्जर्वेशन लूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। और ट्रक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब ट्रक तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो अब इस 2 kg ब्लॉक का FBD बना दो विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल ट्रक फ्रेम। 2 kg ब्लॉक, एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, 20 cos 53 और 20 sin 53। 20 cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 न्यूटन, 20 sin 53 की वैल्यू 16 न्यूटन। और एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, 2 × 5 = 10 न्यूटन। क्या सूडो फोर्स, ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 53 डिग्री। तो इस सूडो फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 cos 53 जो कि हो जाएगा 6 न्यूटन, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 sin 53 जो कि हो जाएगा 8 न्यूटन। और अब देखो एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन दी बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 12 + 8 = 20 न्यूटन, ठीक है। अब देखो ऐसे 16 न्यूटन ऐसे 6 न्यूटन, इन दोनों के इक्विवेलेंट में डाउन द इंक्लाइंड कितने का अप्लाई कर सकता हूं, 16 में से 6 गए 10 न्यूटन का डाउन द इंक्लाइंड, और इस 6 न्यूटन को हटा दो बेसक से। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन 0.4 × 20, ये कितना आएगा 8 न्यूटन। अब देखो ये 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 10 न्यूटन फोर्स आया है ना, ये क्या है ड्राइविंग फोर्स, और जो कि 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा विद सम एक्सेलरेशन ए, वो मुझे अभी फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस, तो 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड आएगा वो कितना आया 10 में से 8 गए 2 न्यूटन इज इक्वल टू मास 2 × a एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विच इज डाउन द इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो a कितना आ गया 1 m/s². तो इसका मतलब इस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना यहां से रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है और डाउन द इंक्लाइंड कितने एक्सेलरेशन से 1 m/s² एक्सेलरेशन से। तो अब देखो ये 8 मीटर ये 4 मीटर, तो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 4 है तो यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई 5 मीटर और इस पोर्शन की लंबाई भी कितनी है 5 मीटर होगी, और ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर यहां से रेस्ट से एक्सेलरेट होगा डाउन द इंक्लाइंड विद एक्सेलरेशन 1 m/s².
मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये दो के दिन लो के बॉटम ऑफ द इंक्लाइन से टकराएगा फर्स्ट टाइम, टू के जी ब्लॉक विल हिट बॉटम ऑफ द इंक्लाइन फर्स्ट टाइम। किस समय पर टकराएगा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट इसके अप्लाई कर दो फ्रॉम ट्रक फ्रेम। एस कितना? 5 मीटर। यू जीरो, यूटी जीरो मतलब प्लस हाफ एट स्क्वेयर हाफ एक्सेलरेशन एक, और यहां से यहां तक हिट करने में बॉटम ऑफ द इंक्लाइन को हिट करने में मान लो कितना समय लग गया? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी स्क्वेयर, तो यहां से कैपिटल टी की वैल्यू यूजिंग कैलकुलेटर कितनी आएगी? रूट दस। रूट दस मतलब 3.162 सेकेंड। तो ये दो के दी ब्लॉक यहां पे बॉटम ऑफ द इंक्लाइन से टकराएगा फर्स्ट टाइम, और किस इंस्टेंट पे? 3.162 सेकेंड इंस्टेंट पे। अब देखो कैपिटल टी बाय टू फाइंड आउट करो कितना होता है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी ना। कैपिटल टी बाय टू इंस्टेंट कितना होगा? 3.162 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1.581 सेकेंड। इसी इंस्टेंट पे तो इस मैंने इस दो के जी ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो अब देखो दो के जी ब्लॉक का एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम डाउन द इंक्लाइन 1 मीटर पर सेकेंड स्केयर आया है, डाउन द इंक्लाइन 1 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये एंगल कितना? 53 डिग्री। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 cos 53 और ये 1 sin 53। 1 cos 53 कितना हो जाएगा? 0.6। 1 sin 53 0.8। तो इसका मतलब एक्सलरेशन ऑफ दो के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो क्या लिख सकता हूं? 0.6 i कैप -0.8 j कैप, ऐसा लिख सकता हूं। और यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं? इज इक्वल टू एक्सलरेशन ऑफ टू के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म, वो कितना होगा? 5 i कैप। तो यहां से एक्सलरेशन ऑफ दो के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आ गया? 5.6 i कैप -0.8 j कैप। और ये भी टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 3.162 सेकेंड के लिए ही है। फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू 3.162 सेकेंड के लिए ही बात होगी, क्योंकि 3.162 सेकेंड पे तो इस 2 के जी ब्लॉक का बॉटम ऑफ द इंक्लाइन के साथ कोलिजन हो जाएगा ना। तो आफ्टर कोलिजन हमने कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि कोलिजन चैप्टर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म टी इज इक्वल टू 0 से 3.162 सेकेंड के लिए कितना होगा? 5.6 i कैप -0.8 j कैप। इसको क्या लिखूंगा मैं यूजिंग काइनेमेटिक्स? dv2 by dt v2 क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ 2 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट t, और t कहां से कहां तक है? 0 से 3.162 सेकंड तक। तो यहां से dv2 ये कितना आ गया? 5.6 i कैप -0.8 j कैप इनटू में dt। अब बताओ t इज इक्वल टू 0 पे इस 2 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म क्या होगी? तो 2 के जी ब्लॉक t इज इक्वल टू 0 पे एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, और t इज इक्वल टू 0 पे ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट एट टी इज इक्वल टू 0 2 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म क्या? 5 i कैप में आ जाएगी यूजिंग रिलेटिव मोशन प्लस 5 i कैप, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे ये ट्रक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो क्या है? 5 i कैप। और t इज इक्वल टू 0 पे 2 के जी ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम,
तो यूजिंग रिलेटिव मोशन, दो केजी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर एट t इज इक्वल टू 0, इन वेक्टर फॉर्म 5 आई कैप ही आ जाएगी। और एट एनी इंस्टेंट t, मान लो v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां से इंटीग्रेशन को सोल्व करते हुए ये आ जाएगा v2 माइनस 5 आई कैप इज इक्वल टू 5.6 टी आई कैप माइनस 0.8 टी जे कैप। तो यहां से v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस 5.6 टी आई कैप माइनस 0.8 टी जे कैप, ये आ गई। मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ 2 केजी ब्लॉक एट एनी इंस्टेंट टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और टी कहां से कहां तक है, 0 से 3.162 सेकंड तक। यूजिंग काइनेमेटिक्स इसको क्या लिखूंगा मैं, dr2 by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो यहां से dr2 ये कितना आ गया, 5 प्लस 5.6 टी आई कैप माइनस 0.8 टी जे कैप इंटू में डी टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे 2 केजी ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम के ओरिजिन पे ही तो है, तो मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या हो जाएगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप, या केवल 0 भी लिख सकता हूं। और मान लो एट एनी इंस्टेंट t r2 वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स आफ्टर सॉल्विंग, r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5t प्लस 2.8t स्क्वायर आई कैप माइनस 0.4t स्क्वायर जे कैप, ये आ गई। तो इस 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो क्या होगा, 5.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप, ठीक है। और इस 2 केजी ब्लॉक की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगी, 5 प्लस 5.6 टी आई कैप माइनस 0.8 टी जे कैप। और इस 2 केजी ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या होगा, 5 टी प्लस 2.8 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 0.4 टी स्क्वायर जे कैप। और ये ध्यान रहे t की वैल्यू कहां से कहां तक अलाउड है, 0 से 3.162 सेकंड तक है, क्योंकि 3.162 सेकंड मतलब कैपिटल t इंस्टेंट पे तो इस 2 केजी ब्लॉक का कोलिजन हो जाएगा ना विद द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। तो यहां पे इन तीनों में टाइम 0 से 3.162 सेकंड तक ही अलाउड है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एट t इज इक्वल टू कैपिटल t बाय 2, और कैपिटल t बाय 2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1.581 सेकंड। इस इंस्टेंट पे 2 केजी ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म। तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल t बाय 2 इंस्टेंट, मतलब कौन सा इंस्टेंट, 1.581 सेकंड। इस इंस्टेंट पे 2 केजी ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो वो यहां से फाइंड आउट कर दो, क्योंकि एट एनी इंस्टेंट टी 2 केजी ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यही तो है। टी कहां से कहां तक है, 0 टू कैपिटल टी अलाउड है, या 0 टू 3.162 सेकंड तक ही अलाउड है। और मुझे एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 2 मतलब 1.581 सेकंड पे 2 केजी ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां पे स्मॉल टी को कैपिटल टी बाय 2 पुट कर दो इस पूरे में, या मतलब स्मॉल टी को क्या पुट कर दो, 1.581 सेकंड। तो आफ्टर पुटिंग स्मॉल टी इज इक्वल टू 1.581 सेकंड, ये यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है, 14.9 आई कैप माइनस जे कैप। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट।